तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास में कोई भी रियलमी का डिवाइस है, या तो आपके पास में रियलमी 6 हो या फिर 7 हो या फिर कोई भी रियलमी का अदर डिवाइस हो, तो जैसे ही आप सभी अपने फ़ोन में फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करके आप यहाँ पर चेक बैलेंस वाले ऑप्शन में आते हो, और यहाँ पर आने के बाद में आप सभी यहाँ पर अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन में चेक बैलेंस करने के लिए आप सभी यहाँ पर किसी भी बैंक पर क्लिक करते हो। इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर अपने सिम कार्ड को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक एरर देखने के लिए मिलती है, जिसमें लिखा हुआ है अनेबल टू प्रोसीड, फेल टू इनिशिएट एसएमएस, प्लीज ट्राई अगेन। और आप सभी को नीचे की तरफ में गॉट इट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप यहां पर इसको दोबारा से भी यहां पर गॉट इट पे क्लिक करके आप यहां पर इसमें दोबारा से भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, यानी कि बैंक बैलेंस चेक करने की कोशिश करोगे, तो आपके सामने बार बार यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती रहेगी। तो आप सभी को इस वाली प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करना है आज के इस वीडियो को बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। तो आप सभी को इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, इसको फिक्स करने के लिए आप सभी को अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद में आप सभी को यहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाना है जहाँ पर भी आपका फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फोन पे एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर टेप एंड होल्ड करके रखना है, और आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऐप इन्फो। आप सभी को यहाँ पर ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा परमिशंस का, तो आप सभी के यहाँ परमिशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आप सभी के यहाँ पर कुछ परमिशंस को इनेबल करना होगा, मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप सभी के यहाँ पर एक फ़ोन का ऑप्शन देखने के लिए मिला है, आप सभी को यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद में आप सभी के यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में आप सभी के यहाँ पर बैक करना है, और बैक करने के बाद में आपके यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा कैमरा का, आप सभी के यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद में आप सभी के यहाँ पर इस कैमरा की परमिशंस को भी इनेबल कर देना होगा। इसके बाद में आप सभी के यहाँ पर एक परमिशंस को और इनेबल करना होगा, तो आप सभी के यहाँ पर बैक आना है, और बैक आने के बाद में आप सभी के यहाँ पर लिखा मिला है लोकेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी के यहाँ पर लोकेशन की जो परमिशन है इसको भी आपको यहाँ पर इनेबल कर देना होगा। इसके बाद में आप सभी के यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से क्लोज कर देना है, और इसके बाद में आप सभी के यहाँ पर दोबारा से अपने फोन में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने फोन में दोबारा से फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर दोबारा से चेक बैलेंस वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आने के बाद में आप सभी के यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर सिम कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी को सिम को सिलेक्ट करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपके सामने लोडिंग चलेगी, और लोडिंग कंप्लीट होने के बाद में आप सभी के यहाँ पर फोनपे की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद में आप सभी के यहाँ पर दोबारा से अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना, और आप सभी को यहाँ पर आप सभी को अपने UPI पिन को टाइप करना। जैसे आप यहाँ पर UPI पिन को टाइप करोगे तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो चेक हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा जो बैंक बैलेंस है यहाँ पर शो हो चुका है। तो दोस्तों आप भी कुछ प्रकार से आप सभी अपने फोन पे एप्लीकेशन में इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ यही था, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से कमेंट जरूर से कर देना, और हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर से आना। थैंक यू।